अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 104। और आज के इस लेसन में हम एक और मैकेनिक का ड्राइंग बनाएंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स हैं आपके मैकेनिकल में। और इन ड्राइंग्स को हम आपस में इनको जोड़ना भी सीखेंगे, इनको आप आपस में किस तरह जोड़ सकते हो। तो उसके लिए मैं ड्राइंग्स आपको बता देता हूँ कि जो ड्राइंग्स हमने बनानी है। तो ये आपको ड्राइंग नज़र आ रही होगी, इस ड्राइंग्स में हमें डायमेंशंस नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी हम इस ड्राइंग को बनाएंगे ताकि आपको अगर डायमेंशंस दी भी जाती है तो आपको तरीका आ गया होगा ड्राइंग्स बनाने का। लेकिन डायमेंशन के बगैर आप देखते हैं जी इस ड्राइंग को कैसे हम बनाएंगे। तो ऑटोकैड को मैं ओपन करता हूँ साथ में। ओके, इस ड्राइंग में आपको व्यूज़ जो आपको दिए हुए हैं, आपको देखें यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूज़ आपको दिए हुए हैं। और ये आपका रिमूव माउंट टैब एंड फ्रंट व्यू भी आपको दिया हुआ है। ये सामने फ्रंट व्यू आपके पास, एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू और टॉप व्यू, तीनों व्यू आपको दिए हुए हैं। ये टॉप व्यू है, एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू और ये आपको फ्रंट व्यू भी दिया हुआ है। तो हम ड्राइंग्स को फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। ओके, तो मैं इस यहाँ से ऑटोकैड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से टॉप की जगह मैं इसको फ्रंट पे लेके आता हूँ। फ्रंट व्यू में लिया है और अब यहाँ से हमने ड्राइंग बनानी है। तो उसके लिए मैं इसको डायमेंशन अपनी मर्जी से दे देता हूँ। ड्राइंग को देखता हूँ पहले कैसी है। ओके, सही है, ठीक है। अब ड्राइंग्स में काम करते हैं। तो उसके लिए मैं ओपन करता हूँ ऑटोकैड को, एल एंटर, यहाँ से एफ8 प्रेस करता हूँ। मैं इसको देता हूँ जी 10 एंटर और यहाँ से इस कॉर्नर से एल एंटर, इस कॉर्नर से इसको मैं देता हूँ जी 10, इसको भी यहाँ से दे देता हूँ। बल्कि इसको कम देता हूँ, यू एंटर, इसको 8 देता हूँ यहाँ से एंटर। और अब यहाँ पे 8 के बाद मैं इसको देता हूँ 8, इक्वल हमारे पास सारा इक्वल है। तो इक्वल के लिए इस तरह करते हैं, 8 तो मैंने दे दिया और इसको यहाँ से नीचे मैंने 10 दिया था, तो 10 के लिए मैं इसको 3 देता हूँ यहाँ से नीचे। यहाँ पे इसको मैं देता हूँ 5, फिर मैं इसको ऑफसेट देता हूँ यहाँ से, ओ एंटर, 3 एंटर। ओ एंटर, 2 एंटर, ओ एंटर, 2 एंटर। ओके, एल एंटर, यहां से ओ एंटर, 2.3 एंटर। टू पॉइंट थ्री यहां से आ गया जी। ओ एंटर, 1.8 एंटर, यहाँ से इसको डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कम है। और ओ एंटर 2.3, 2.3 यहाँ से इसको आगे फिर दोबारा देता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आपका ये जो डिस्टेंस, ये वाला एरिया, ये थोड़ा कम है। इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में जोड़ता हूँ, एल एंटर, इनको इसको भी जोड़ता हूँ आपस में और
इसको भी जोड़ता हूँ, इसको भी जोड़ता हूँ। ओके ट्रिम टी आर डबल इंटर ट्रिम कर लिया, ट्रिम ट्रिम। ओके ये ज़्यादा बड़ा है तो इसको भी मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, एंटर करता हूँ यहाँ से। ये डायमेंशन नहीं दी हुई, ऐसे में डायमेंशन दी हुई तो इजी होता हमारे लिए। और अब ट्रिम करता हूँ टी आर डबल इंटर टी आर डबल इंटर। ओके अब सही है। अब जो काम करना है वो क्या काम करना है जी, चैम्फरिंग कमांड अप्लाई करनी है इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर में। उसके लिए सी एच ए एंटर डी एंटर 0.2 एंटर करता हूँ। जीरो पॉइंट थ्री कर देता हूँ। सी एच ए एंटर डी एंटर 0.3 एंटर एंटर। ओके अब मैंने यहाँ पे जो काम करना है वो काम यह है कि इसको मैं यहाँ से एस डब्ल्यू एच मैट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ, इसको यहाँ से टॉप पे लेके जाता हूँ और यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू में अब लेके जाता हूँ। ओके अब इसको मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड से मूव करता हूँ थोड़ा। कितने से मूव करता हूँ जी, 3.5। ओके शिफ्ट को प्रेस करके इसको मूव करता हूँ यहाँ से। इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे आप देखें तो इसको मैं टॉप व्यू में, यहाँ से टॉप में देखूँगा, व्यू में क्लिक करके इसको मैं टॉप व्यू में लेके जाता हूँ, कस्टम व्यू से टॉप पे। और टॉप से मैं इसको क्या करता हूँ, एल एंटर करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी। मिड पॉइंट इसका देखता हूँ, एल एंटर, ये मिड पॉइंट है इसका, और यहाँ से देखता हूँ ये मिड पॉइंट है, सी एंटर, सी एंटर। ओके अब इन लाइन्स को मैं डिलीट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अब मैं जो इसमें डायमेंशन नहीं दी हुई तो मैं इसलिए आपने अंदाजे के मुताबिक डायमेंशन से काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास डायमेंशन होती फिर भी आप काम कर लेते क्योंकि हमें इतना टेक्निक्स आ गए कि हम डायमेंशन से भी काम कर सकते हैं। ओके अब ये जो काम मैंने करना है उसमें यह है कि अब ये मेरे पास आ गया तो मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव करता हूँ। तो मूव करने के लिए जो काम करूँगा मैं वो एम एंटर इसको मूव करता हूँ यहाँ से इस कॉर्नर तक, कंट्रोल जेड एम एंटर मूव करने के बाद यहाँ पे एक कमांड यूज़ करता हूँ जो कि आपने पढ़ी हुई भी है, और वो कमांड है जी आपके पास लॉफ्ट कमांड। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जोड़ता हूँ, लॉफ्ट हो गया, और यहाँ से एंटर करता हूँ, क्रॉस सेक्शन एंटर करता हूँ। अब यहाँ से इसको मैं 2D वायर फ्रेम में जाके देखता हूँ, ओके लेकिन हमारे पास वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमने यहाँ पे दिया था, तो इसको मैं इलास्टिक पे देखता हूँ। तो जो हमने यहाँ पे काम किया था वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए आपने सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करनी है, एस यू एंटर, अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें,
स्पेस और अंदर से इसको सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करें। क्यों नहीं अप्लाई हुई इसको देखता हूँ मैं। कंट्रोल जेड अप्लाई हो गया, लेकिन एक मसला हुआ है जिस वजह से ये अप्लाई नहीं हुआ, वो बताता हूँ क्या मसला है। कि ये जो सर्कल है इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर करना है, फॉर एग्जांपल ओके अब ये काम करेगी। और अब मैं इसको इलास्टिक पे क्लिक करता हूँ, अब सही है। अब इसको देखिएगा आप, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के लिए SU एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया स्पेस और सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। और अब देखें जरा, देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया जी, देख सकते हैं। तो स्वीप कमांड इसलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि जो इसका बॉटम रेडियस था वो कम था और टॉप वाला ज़्यादा था, तो उसके लिए हमने स्वीप कमांड यूज़ किया। तो जी आपका एक और नया ऑब्जेक्ट भी ड्रा हो गया, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।